नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सबका स्वागत करता हूं। वर्बल जिग के वीट ट्रिक का ये फिफ्थ पार्ट है और आज की जो इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूं। आज की जो इस वीडियो में 10 क्वेश्चन है उसमें से 9 क्वेश्चन मैंने इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में से लिए हैं, वो भी वो क्वेश्चन लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन एलडीसी में से लिया है, एलडीसी के जो एग्जाम हुए हैं उनमें से लिया है। आज का जो वीडियो है इसमें हमारा मिक्स रहेगा, थोड़ा हरियाणा जीके और ट्रेडिशनल जीके एक साथ चलेगी इसमें, क्योंकि बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जो कि आज जो करवाऊंगा आपको लिंक के माध्यम से। हम थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा आपको समझाने में, कोड बंद करने में, तो थोड़ा सा फास्ट वे में कि एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है, एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मुंबई, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, देहरादून। हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश। याद कैसे करें उस पर आते हैं। मैंने पीछे की वीडियो में बताया था कि जो कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। मैंने कैसे याद करवाया था उस पर आते हैं कि कच्ची पुड़ी खाकर अंधे नृत्य करने लगे, मतलब कच्ची पुड़ी मतलब कुचिपुड़ी, और अंधे मतलब आंध्र प्रदेश, और नृत्य करने लगे मतलब लोक नृत्य वहाँ का, आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में भी, ये इसका आंसर भी क्या है, आंध्र प्रदेश। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश। मतलब दोनों का आंसर सेम है, लेकिन हम दोनों को कोड बंद कर लेते हैं कि अंधे अंडों की टोकरी में से। अब हम क्या करते हैं कि अंधे जो है अंडों की टोकरी में से कच्ची पुड़ी खाकर नृत्य करने लगे। अंधे मतलब आंध्र प्रदेश, अंडे की टोकरी, हम अंडे टोकरी, आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी कहा जाता है। कच्ची पुड़ी खाकर मतलब कुची पुड़ी खाकर नृत्य करने लगे, मतलब कुची पुड़ी वहां का लोक नृत्य है, और अंडे की टोकरी भी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऐसे हम इसको कोड बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, पहाड़ों की मलिका किसे कहते हैं। ऑप्शन है बेंगलोर, जमशेदपुर, नेत्रहाट, श्रीनगर। तो जो आंसर है वो है नेत्रहाट, नेत्रहाट इसका आंसर है। तो हम याद कैसे करें, हम जानते हैं कि बॉलीवुड की एक एक्टर है कि जो एक्ट्रेस है, हीरोइन है, क्या है, मलिका सहरावत। यदि ये पूछ लिया जाए कि मलिका सहरावत का संबंध कहाँ से है, हरियाणा से है, हरियाणा में कहाँ से है, रोहतक से, हम जानते हैं। तो हम इससे इसको याद कर लेते हैं कि पहाड़ों की मलिका किसे कहा जाता है, नेत्रहाट को कहा जाता है। एक लाइन बना लेते हैं कि क्या लाइन, कि पहाड़ों पर मलिका ने हर तरह से होठ पोंछ दिए, पहाड़ों पर मलिका सहरावत या मलिका ने हर तरह से होठ पोंछ दिए। पहाड़ का मतलब पहाड़ से ही डिनोट करता है, मलिका मतलब मलिका को डिनोट करता है, हर तरह से ने हर तरह से, तरह नेत्र है इसके बीच में आता है, और लास्ट में हार्ट आता है मतलब होठ पोंछ दिए। इससे हम इसको कोड बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा जरूरी है और अब भी आएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ, हरियाणा के आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे उसमें ज़रूर आएगा, और आंसर फिक्स आंसर है। दूसरी बात कि कई बुकें गलत आंसर देती है, हरियाणा की जो जीके है मोस्टली गलत है, बुक के अंदर आप देखेंगे तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है। क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चलो मैं पढ़ ही देता हूँ। 1,34,94,734, 2,53,51,462, 1,18,56,728, 6,96,72,462। हमारा आंसर है बी, 2,53,51,462। इसकी ट्रिक बनाने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, मुझे बनाई तब पता चला। तो क्या है कि हम इसको याद कैसे करें, डायरेक्ट उस पर आते हैं, दो मेथड से इसको हम याद कर सकते हैं। हरियाणा, तो देखिए आप तीन तीन के पेड़ देखें, आप 2, 5, 3, 5, 1, 4 शुरू में, तो तीन तीन के पेड़ आप देखते हैं तो 10 का जोड़ बनता है, मतलब 5, 2, 7, 7, 3, 10, 5, 1, 6, 6, 4, 10, मतलब 10 के पेड़ बनते हैं। पहला तो ये लिंक आपके दिमाग में आ सकता है। दूसरा लिंक क्या आएगा, पहले भी दो है, लास्ट में भी दो है। अब इसमें एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि और ऑप्शन हो जिसमें आगे भी दो हो और पीछे भी दो हो, तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो इसका ये कन्फ्यूजन भी दूर करने के लिए एक चीज़ और देख सकते हैं, आगे भी दो है, पीछे भी दो है, उसके बाद क्या है, 5 है, और पीछे से दूसरा नंबर 6 है, मतलब 5 से 1 ज़्यादा, 6 पीछे है,
फिर आगे क्या है, 3 है, पीछे क्या है, 4 है। हम ऐसे करके इसको कोड बंद कर सकते हैं। लेकिन 10-10 का जो मैंने बताया है, 3-3 के पेयर 10-10 में बढ़ते हैं, तो मतलब ये ठीक है रहेगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ज़रूरी है, बार बार पूछा गया है, उसकी बार भी सब इंस्पेक्टर में ये आया था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। याद कैसे करें उस पर आते हैं डायरेक्ट। देखें कि गोपाल कृष्ण किसे कहते हैं, भगवान को हम बोलते हैं गोपाल कृष्ण, बोलते हैं कृष्ण भगवान को। वो क्या करते थे, गाय को चराते थे, हमें याद है गाय चराते थे गोपाल। अब क्या है कि जो गांधी है वो क्या करते थे, उनके पास भी एक बकरी होती है रियल में, ये जो स्टोरी देखते हैं हम, गांधी के पास भी एक बकरी होती है। जब भारत की जो आर्थिक दशा पिछड़ी हुई थी उस दौर में गांधी की बकरी किशमिश और बादाम खाती थी, यदि हमें याद हो तो मतलब क्या है, कृष्ण गाय चराते थे और गांधी बकरी को चराते थे, हम ये ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये एक अच्छा काम भी है कि हम जानवर को इतना सम्मान देते हैं, तो हम एक लाइन बना लेते हैं, गोपाल कृष्ण गाय चराता था, गांधी बकरी चराते हैं, और दोनों नैतिकता का प्रतीक, दोनों नैतिकता का परिचय देते हैं। नैतिकता मतलब मोरल, नैतिकता का परिचय देते हैं। नैतिक मतलब राजनैतिक, नैतिकता का मतलब राजनैतिक। हम इसको ऐसे कोड बंद कर सकते हैं और हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इससे मुझे एक क्वेश्चन और याद आ गया, अगर चलो मैं बता ही देता हूँ कि सूरत से मुझे एक चीज़ और याद आ गई। मैं पीछे की वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन ये था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर सबसे पहले जो फैक्ट्री लगाई थी वो कहाँ लगाई थी, वो लगाई थी सूरत में। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले भारत के अंदर कहाँ लगाई थी फैक्ट्री, इंग्लिश फैक्ट्री इसमें लो, तो वो सूरत में लगाई थी। याद कैसे किया था कि अंग्रेजों ने हर सूरत में भारत में फैक्ट्री लगानी थी, हर हाल की जगह, हमने क्या क्या कहा था कि हर सूरत में मतलब हर हाल में भारत के अंदर फैक्ट्री लगानी थी। मतलब प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगी थी, सूरत में लगी थी। अब हम हमारे इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोबारा। 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी घोष, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है रास बिहारी घोष। याद कैसे करें, अब आंसर देखिए कि रास बिहारी घोष। और क्वेश्चन क्या है कि सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मतलब इन दोनों का लिंक होना चाहिए। तो एक पीछे की खबर भी थी, पीछे से एक बिहार से एक खबर थी, यदि आप को याद हो तो वहां से मैंने लिंक ले भी लिया कि रास करने वाले, रास बिहारी घोष में से रास ले लिया हमने, रास करने वाले हर सूरत में, सूरत मतलब सूरत अधिवेशन, हर सूरत में बिहारी नहीं होते। बिहारी मतलब रास बिहारी में से बिहार ले लिया, बिहारी ले लिया, और यहां भी बिहारी ले लिया। तो रास करने वाले जो पीछे पकड़े गए हैं, जो साधु के पोशाक में अलग काम करते हैं, गलत काम करते हैं, वहां से ले सकते हैं कि रास करने वाले हर सूरत में बिहारी ही हो, जरूरी नहीं। कुछ राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर थे इस अधिवेशन में, ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश भारत से होकर गुजरती है, ये तो हमें वैसे भी याद रहता है, लेकिन क्वेश्चन आया है तो हम क्या करें, हमें याद तो करना है, लेकिन फिर भी इसको वैसे हमें आना ही चाहिए कि हमारा आंसर हमें पता भी है, कर्क रेखा है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश भारत से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन है आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। तो हमारा आंसर है कर्क रेखा। तो हम इसको याद कैसे करें, उस पर आते हैं डायरेक्ट कि भारत के लोग बहुत ही क्रैक थे। मतलब क्रैक का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि दरार है या ऐसा कुछ, क्रैक मतलब कि भारत के लोग बहुत ही क्रैक थे। क्रैक मतलब पागलपन से लगाए आप, कि क्रैक मतलब क्रैक माइंड, कि बहुत ही पागल टाइप थे। मतलब भारत के लोग बहुत ही क्रैक थे, किसके पीछे, रेखा के पीछे। मैं आपको कोड बंद करवाऊंगा, ये
कि भारत के लोग बहुत ही क्रैक थे। रेखा जी के पीछे जहां से भी वो गुजरती है पीछे पीछे लोग वहां से गुजरते थे। मतलब क्या है, भारत के लोग मतलब भारत से लिंक है, बहुत ही क्रैक थे मतलब करक रेखा थे, क्रैक थे रेखा की पूछे मतलब क्रैक रेखा मतलब करक रेखा। रेखा जी के पीछे जहां से भी वो गुजरती है तो लोग पीछे पीछे चलते हैं उनके, मतलब करक रेखा भारत में क्या है, करक रेखा है। भारत की जो अक्षांश रेखा वो करक रेखा है। हम ऐसे इसको और बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ईख की खेती प्रहसन के लेखक है। ईख की खेती प्रहसन के लेखक है राजा राम शास्त्री, साधुराम, मूलचंद वर्मा, हरिकेश। जो इसके ऑप्शन है, जो इसका आंसर है, वो राजा राम शास्त्री है। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, प्रहसन का मतलब क्या होता है। प्रहसन का मतलब होता है कि चंचलता लगा सकते हैं आप, दिल लगी लगा सकते हैं, प्रसन्नता पूर्वक हंसना लगा सकते हैं, परिहास लगा सकते हैं। प्रहसन का मतलब, प्रहसन से एक काव्य भी है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पे आते हैं कि ईख की खेती प्रहसन के लेखक कौन है, वो है राजा राम शास्त्री। हम याद कैसे करें, ये क्वेश्चन आया है एक्साइज इंस्पेक्टर में आया है। तो राजा राम शास्त्री इसका जो आंसर है, तो हम इसको आंसर से ही उठा लेते हैं। राजा राम ने शास्त्री को कहा, राजा राम शास्त्री इसका आंसर है, राजा राम ने शास्त्री को कहा। अब शास्त्री हमने बोला है, तो शास्त्री हम किसके पीछे लगाते हैं, जो विद्वान होता है। विद्वान क्या करता है, जिसका बुक से रिलेशन होता है या पढ़ने से रिलेशन होता है, ज्ञान से रिलेशन होता है, हम उसको ही शास्त्री बोलते हैं मोस्टली। तो राजा राम ने शास्त्री को कहा ईख की खेती, मैं ये भी कह सकता था कि ईख की खेती करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि शास्त्री हमने बोल दिया, तो हम उसको लेखन से ही परिचित कराएंगे कि राजा राम ने शास्त्री को कहा कि ईख की खेती पर लेख लिखो। तो वह हंसने लगे। मैं क्यों बोला हूं हंसने लगे, क्यों बोला हूं, क्योंकि प्रहसन का मतलब हंसना होता है, तो इस पर हसन में बीच में हंस भी आता है, और यदि अंतिम तीन देखें तो हसन, आप यहां से कोड बंद कर सकते हैं कि राजा राम ने शास्त्री को कहा कि ईख की खेती पर लेख लिखो, तो वो हंसने लगे। हम ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, राजा राम शास्त्री को डिनोट करता है ईख की खेती को डिनोट करता है, और हंसने लगे, हसन मतलब प्रहसन, तो हम ऐसे इसको डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ये एलडीसी में आया था, जो ये क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा डायरेक्ट, कि मार्च 2019 तक सभी खालिस्तान में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए भारत सरकार ने भारत नेट फेज टू लॉन्च किया है। तो ये देखो, ये करंट जीके का क्वेश्चन आ गया, और अब 2000 क्या है, 18 है, 2019 की बात है, तो कहाँ ये टारगेट कहाँ तक का है, ये कि मार्च 2019 तक सभी डैश में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए भारत सरकार ने भारत नेट फेज टू लॉन्च किया है। सरकारी अस्पतालों के लिए, प्राथमिक विद्यालयों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, कि जो ब्रॉडबैंड की सुविधा है किसके लिए की है, 2019 तक का जो टारगेट है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का किसके लिए है। तो एक बात को ध्यान रखें, बस इसमें लिंक ना करें आप और कुछ चीज़ देखें, कि ये सरकार क्या कर रही है, क्या बात कह रही है बार बार कि गाँव को ऐसे करे, कैश मुक्ति करें, देश को बनाए। तो क्या है कि टॉयलेट के लिए ये कह रही कि हर गांव में इतने टॉयलेट होने चाहिए, ऐसे कुछ करके इनका शहरीकरण होना चाहिए, मतलब गांव को लेकर ये काफ़ी कुछ करना चाहती है यदि हम लगाएं तो। तो क्या है कि इसका जो आंसर है वो ग्राम पंचायत है। ये चाहती है कि 2019 तक सभी ग्राम पंचायत में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए भारत सरकार ने भारत नेट फेज टू लॉन्च किया है। किसके लिए, गांव के लिए, गांव पंचायत के लिए। ये देखिए, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जनवरी, 20 फरवरी, 24 मार्च और 11 अप्रैल।
तो इसको हम कैसे याद करें, उस पर आते हैं कि इसको देखें कि इसका जो आंसर है वो है 10 जनवरी। तो इसके हास्य दिवस, हास्य मतलब हंसना, तो हम इसमें देखें हास्य दिवस में क्या आता है, हस आता है ना, हस और हस 10 जन, हम इसको ऐसे याद करते हैं। तो हंसने का जो काम होता है वो क्या होता है, किसका होता है, हम किसको लगाते हैं कि जन, हंसते कौन है, लोग ही हंसते हैं, तो मतलब लोग मतलब जन, जन मतलब जनवरी। पहली बात तो ये कि जो ये इसका जो आंसर रहेगा वो जनवरी में आएगा। दूसरा बात कि हस, हस से हम 10 भी कह सकते हैं, हस 10, हस 10 मतलब इसका आंसर क्या है, 10 जनवरी। हास्य दिवस कब है, 10 जनवरी। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है ये भी, ये आया था, ये भी इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है। ये क्वेश्चन आपके हर क्षेत्र में आता है, हरियाणा के कोई भी आप एग्जाम देंगे उसमें ये क्वेश्चन आता है। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है, किस विभाग से है, आप ध्यान दें क्या क्वेश्चन है। तो कृषि विभाग से है, लोक संपर्क से है, उद्योग से है, साहित्य अकादमी से है। मैं ये क्वेश्चन गलत करके आया था, मुझे याद है इसका जो आंसर है वो है लोक संपर्क। दोबारा क्वेश्चन सुने, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किससे है, लोक संपर्क से है। हम याद कैसे करें, उस पर आते हैं कि हरियाणा में सभी, देखो अब एक बात बताते हैं, हम हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से हूँ तो हवा से ही पता चल गया होगा। तो हरियाणा में के क्या शब्द ज़्यादा यूज होते हैं, भाई स्वाद मत लिया कर तुम, स्वाद मतलब मजे लेना, हम किसी के मजे लेते हैं तो क्या कहते हैं, स्वाद मत ले, हम ऐसे बोलते हैं हरियाणवी में, स्वाद मत ले मतलब मजे मत ले। हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि हरियाणा में सभी स्वाद लेकर मतलब मजे लेकर, स्वाद मतलब संवाद, जो हरियाणा संवाद पत्रिका है, संवाद पत्रिका है उसका हम स्वाद पढ़ लेते हैं। हरियाणा में सभी स्वाद लेकर, स्वाद लेकर पत्रिका पढ़ते हैं, मतलब कोई मैगजीन पढ़ते हैं, पत्रिका मतलब पत्रिका, पत्रिका को डिनोट करता है लेकिन हम मैगजीन भी बोलते हैं ना पत्रिका को। तो हम ऐसे ही याद कर लेते हैं कि हरियाणा में सभी स्वाद लेकर पत्रिका पढ़ते हैं, मतलब मैगजीन पढ़ते हैं, और इस पत्रिका को लेकर, इस पत्रिका को लेने के लिए सभी एक दूसरे से संपर्क करते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, या इस पत्रिका को लेकर सभी संपर्क करते हैं एक दूसरे को, ऐसे कर सकते हैं। हरियाणा में सभी स्वाद लेकर इस पत्रिका को पढ़ते हैं और सभी एक दूसरे से संपर्क करते हैं इस पत्रिका को लेकर, इस मैगजीन को लेकर, कोई फेमस मैगजीन लगा लेते हैं, इससे हम इसको कोड बंद कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको जीके याद होने में मददगार रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मुझे ज़रूरत भी है सब्सक्राइबर की, लेकिन फिर भी यदि अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें वरना न करें। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। यदि आपको लगे कि हाँ ये मुझे नहीं समझ में आया, आप दोबारा इसको बताएं तो मैं कोशिश करूँगा उसको दोबारा बताने की। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।